श्री राधेश्याम भव पंथ खोल सन्मार्ग
मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, देवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणाधिपतये नमः। कांति शिता मृषति निंदित सारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा, वृंदावने पिकृतिया मुनिगांग संगम, राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पप्रसो नाप्लुतम्, वस्तो प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तस्रस्त निबद्ध निबिलसद गोपी सहस्रावृतम्, हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लाख बार हरि हरि कहो
एक बार हरिदास अति विपन्न श्री लाडली सदा विपन्न को वास मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातिन की छाई पड़े श्याम हरिते दुति हो राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुहि दीजिए श्री चरणन को वास। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जयकारा सिरवलिका सच्चे दरबारी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकरुणा करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तडिद्यत विनिंदित पीताम्बर धारी भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां भगवती की प्रतिमूर्ति हमारी समस्त माताएं एवं लक्ष्मी स्वरूप हमारी समस्त बहनें धर्म के समान हमारे भाई बंधु बुजुर्ग संत समागम ब्राह्मण समाज संगीतज्ञ बंधु एवं हमारी आवाज को जो भी श्रवण कर रहा है सभी को वंदन, सभी को जय श्री राधे। आज भागवत कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ हो चुका है और बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की आज लीलाएं हैं, प्रभु के भक्तों की कथाएं हैं। आज की कथा को हम प्रारंभ करें, उससे पहले आइए हम और आप अपनी वाणी को पावन बनावें और प्रार्थना करें मां जगत जननी भवानी मां राधा रानी से, हे मां हमें इतना सामर्थ्य दे में कि हम आज की कथा को कह सकें और आप श्रवण कर सकें। आप सभी ने हमारे साथ बड़े प्रेम और भाव से प्रभु की प्रार्थना करनी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा
मुरारे, हम आपके शरणागत हैं, हमें आशीर्वाद दो। श्री राधे। Thank you.
आप लोगों ने कथा श्रवण करी। कल कौन सा चरित्र सुनाया था? हाँ जी, जय हो, बहुत बढ़िया। कल प्रहलाद चरित्र की सुंदर लीलाएं हम लोगों ने वर्णन करी थी। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की, कल की कथा में हमने आपको श्रवण कराया था कि मनु महाराज के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था उत्तानपाद, जिनके यहां पर ध्रुव का जन्म हुआ, और दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निद्र, आग्निद्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव भगवान। देखो, जैसे हम लोगों के यहां पर देवताओं का अवतार माना जाता है, वैसे ही जैन संप्रदाय में तीर्थंकर होते हैं, जिनके चरण रखने से घर तीर्थ बन जाता है, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो पहले तीर्थंकर है उनके ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव का पूरे भारतवर्ष में साम्राज्य, इनके 100 बेटा थे। एक दिन की बात, इन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और बुलाकर के कहा, बेटा ये मानव शरीर किस लिए मिला है?
देखो आज हम लोग कितने टेंशन में रहते हैं, हर व्यक्ति परेशान है, सच्चाई है कि नहीं? हर आदमी किसी ना किसी कारण से परेशान है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोगों ने भगवान का भजन करना छोड़ दिया है। आपको मालूम है पहले एक नियम था, शाम के समय घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता था वो रामायण या श्रीमद् भागवत कथा सुनाता, बाकी घर के सब लोग सुनते, होता था ना ऐसे? और आज क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, बोलो राधे राधे, हैं? ये नियम होना चाहिए हर घर में कि चाहे 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, लेकिन कुछ समय भगवान की चर्चा के लिए पूरे परिवार को बैठना चाहिए। वही ऋषभदेव ने अपने बच्चों को बुलाया, बेटे ये बताओ ये तुमको मानव शरीर मिला है किस लिए मिला है? इस मानव शरीर का सदुपयोग तुम्हारे जीवन में क्या है? तो बोले पिताजी सुबह उठे तो पहले चाय पी, फिर नाश्ता किया, नहाया धोया, भोजन किया, थोड़ी देर खेले कूदे, शाम को फिर भोजन किया और सो गए। यही करते हैं ना हम सारे दिन? बोले नहीं बेटा, ये मानव शरीर इन कामों के लिए नहीं मिल बना हुआ। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्तुम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बेटा इस मानव शरीर से हमको भजन करना चाहिए। देखो हम गृहस्थी हैं ना, तो हमको तीन काम जरूर करना चाहिए, मालूम क्या? हमारे घर में जो सबसे सुंदर जगह हो उसमें एक मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर में हमारे गोपाल जी को स्थापित करो। घर में जो भी चीज बनाओ सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, क्योंकि बगैर भोग के वैष्णवों के घर में भोजन नहीं रहता। भोग लगाने के बाद उसको तुम ग्रहण करो। और एक बात याद रखना, जो पुष्प भगवान को अर्पण कर दिए वो फिर पैरों में ना आवे, इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। समझाया, परिणाम ये हुआ कि 90 जो पुत्र थे उसी समय विरक्त हो गए। ऋषभदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। चाहे गई चिंता नसी मनवा बे परवाह और जिसको कछु न चाहिए वो ही साहिंसा। बड़े खुश हैं ऋषभदेव भगवान। अब माताओं का आना शुरू हो गया। बाबा जी हमारी बहू नहीं सुनती, बोलो राधे राधे, हैं? मेरा बेटा नहीं सुनता, कुछ उपाय तो बता दो। ऋषभदेव कहते मैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि संसार की सब विभक्ति को दूर करने का कोई उपाय है तो वह है केवल भागवत भजन, भगवान का भजन।
लेकिन दुनिया वालों को तो चमत्कार चाहिए। राधे राधे। और एक बात आपको बताऊं, चमत्कार करना साधुओं का काम नहीं है, चमत्कार करना तो जादूगरों का काम है, बाजीगरों का काम है। और जो चमत्कार दिखावे, महाराज जी ने ऊपर हाथ किया, केला आ गया, प्रसाद मिल गया। अरे इतना शक्तिशाली है महाराज जी, तो कम से कम 10-20 करोड़ केला मंगावे, लोगों का भला हो जावे। तो मैं कहना चाहूंगा, जो चमत्कार दिखावे वो सन्यासी साधु संत हो ही नहीं सकता, वो तो बाजीगर है। बाजीगरों का काम है ये लोगों को मूर्ख बनाना। एक दिन की बात, ऋषभ देव ने अपने कपड़े निकाल लिए, निवस्त्र हो गए। लोग जामे राम राम, कैसा नंगा बाबा, उनसे मिलने जामे तो बाल नोचने लग जामे, ये तो पागल हो गया, मिट्टी खा ले में। लोगों ने कहा ये तो पागल बाबा है, छोड़ दिया जाना, जो हजारों लोग जाते थे ना, जाना छोड़ दिया। लेकिन ऋषभ देव जी बड़े खुश हुए। देखो, अगर हम सन्यासी बन गए हैं, हमने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है, तो हमको तीन चीजों से बचना चाहिए। कौन कौन सी? कंचन यानी कि धन, कामनी यानी स्त्री, कीर्ति मतलब मेरा नाम हो गया। अगर सन्यास हमने धारण कर लिया, हम बाबा जी बन गए, तो फिर बाबा जी को इन तीनों चीजों से बचना चाहिए। एक आपको हम छोटी सी कथा सुना में, एक बार की बात है, एक शिष्य गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। गुरु जी ने कहा बेटा देख, मैं तो अब सन्यासी बन रहा हूं, आज से तुमको इस आश्रम की देखभाल करनी है, पर तुम्हारा नियम होना चाहिए कि ना तो तुम कंचन यानी कि स्वर्ण के पीछे भागोगे, ना कामिनी के चक्कर में पड़ोगे, और कीर्ति को तो तुम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाओगे। बोले ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। एक बार की बात है, आज वो बाबा जी गैया चराते चराते किसी घने वन में चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि सोने का भंडार लगा हुआ है। मन में बात आई, गुरुजी ने मना किया था सोना नहीं छूना, लेकिन कोई बात नहीं, इस सोने से ना गुरुजी की सोने की तस्वीर बना दूंगा, आश्रम बनवा दूंगा, मैं नहीं उपयोग करूंगा। नीचे आया, दो चार लोगों से कहा भैया हम तुमको बहुत सा धन देंगे, तुम एक बार हमारे साथ उस पर्वत में चलो, वहां से कुछ सामान लेके आना है। अब दो चार आदमी चल पड़े साथ में, और जहां वहां खजाना देखा, उनकी बुद्धि खराब हुई, उस बाबा जी को वहीं रस्सी से बांध के पटका, और जितना सोना चांदी था सब लेकर के भाग गए। तीन दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, याद करते हैं गुरु जी ने मना किया था, चक्कर में नहीं पड़ना, फिर भी नहीं माना। देखो तो कोई गैया चराता हुआ ग्वाला आया, उन्होंने उसको खोल दिया। अब कहता है आज के बाद कभी इस चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। काफी दिन बीत गया, तपस्या से उसका शरीर एकदम सूर्य के समान चमकने लगा। तो दो स्त्रियों की आपस में शर्त लगी। एक बोली जानती हो ये बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। दूसरे ने कहा अगर इन बाबा जी को मैंने अपने चक्कर में डाल दिया तो? बोले हो ही नहीं सकता, अरे बाबा जी तो स्त्रियों से बात भी नहीं करते। बोले शर्त लगी? हाँ हाँ बिल्कुल लगी शर्त। पहुंच गई, बाबा जी प्रणाम। बोले दूर 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 से बात नहीं करना।
ठीक है मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, पर मैं चाहती थी आपको गुरुजी बना लूं। बोले जी मैं कन्याओं को तो बनाता ही नहीं, स्त्रियों को गुरु दीक्षा ही नहीं देता। ठीक है महाराज जी, एक काम करो, आप इस कुटिया में हो, आपके सामने मैं दूसरी कुटिया बना के रह लेती हूं, आराम से कई दिन निकल गए। एक दिन वो बोली, महाराज जी देखो मैं भी भोजन बनाती हूँ, आप भी भोजन बनाते हो, आप क्यों परेशान होते हो, मैं बना लिया करूंगी, आप भी खा लेना, मैं भी खा लूंगी, आपका भजन करने का समय ज्यादा बढ़ जाएगा। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। अब वो भोजन बना बना करके देने लग गई। अब थोड़ी सी लेट हो जावे तो उसका इंतजार करने लगते कि बड़ा सुंदर पकवान बनाया था अपने हाथ से, तो इतना बढ़िया बनती भी नहीं है खाना। एक दिन वो आई ही नहीं। बाबा जी ने कहा क्या बात है देवी, तुम आई क्यों नहीं? बोली महाराज जी मेरे हाथों का बना हुआ तो आप खा लेते हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरे हाथों से भोजन करो। भोजन का स्वाद ऐसा लग गया कि उस बात को वो मान गए और भोजन अपने हाथों से खिलाने लगी। अपनी सहेली को बुलाया, देखो बस में कर लिया ना बाबा जी को, शर्त हमारी पूरी हुई, और वो छोड़ के भाग गए। अब बेचारे महात्मा जी बड़े रोए, गुरु जी ने मना किया था लेकिन बात नहीं मानी उनकी। ऐसा वैराग्य आया कि सब कुछ छोड़ करके उन्होंने समाधि लगा ली। 12 साल बीत गए, लंबे लंबे बाल हो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई। 12 वर्ष के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली ना, तो एक आदमी सामने खड़ा था। महात्मा जी बड़ा परेशान, कोई ऐसा उपाय बता दो ना जिससे कि मेरे घर में कुछ व्यवस्था हो जावे। तो महात्मा जी ने एक बाल तोड़ा, ये ले बेटा इसको ले जा, और ले जा, भगवान तेरा कल्याण करेंगे। जैसे बाल लेकर के घर में आया, घर की सफाई कर रहा था, उसको एक मटके में बहुत सा स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। बड़ा प्रसन्न हुआ। पड़ोसियों ने कहा भैया तू तो बड़ा गरीब था, तेरे पास इतना धन कहां से आया? अरे भैया हमारे गांव में बड़े पहुंचे महात्मा जी आए हैं, उनके बालों में ऐसी शक्ति, देखो तो मुझको सोने का मटका मिल गया। अब तो पूरा गांव दौड़ पड़ा, अरे महात्मा जी मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। महात्मा जी दोनों हाथों से बाल तोड़ तोड़ दे रहे हैं। बोले आप परेशान मत हो, हम खुद ही तोड़ लेंगे। अब पूरे गांव के लोगों ने जितने सिर के बाल थे ना सभी नोच लिए, खून बह रहा है। एक आदमी आया, महात्मा जी इस गांव के ना बड़े गंदे व्यक्ति हैं, देखो तो एक भी बाल नहीं छोड़ा, और जैसे उसको कहीं एक बाल दिख गया ना उसको भी नोच करके वो भाग गया। तब याद आई कि गुरु जी ने कहा था कंचन कामनी और कीर्ति, इन तीनों चीजों से बचना है। मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी तो देखो आज कैसा दुख भोग रहा हूं। ऋषभदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, हमसे दूर है दुनिया कोई बात नहीं, लेकिन मन में शांति बहुत है। इनके जो बड़े बेटे हैं भरत, उन्होंने अपने बेटा सुमति को गद्दी में बैठाया और खुद चल पड़े दामोदर कुंड में भगवान का भजन करने। ये दामोदर कुंड है नेपाल की गंडकी नदी में, जहां से सालेग्राम जी निकलते हैं। बड़ा अद्भुत प्रभाव है गंडकी नदी का। कहते हैं अगर आप हरा भरा तुलसी का पौधा गंडकी नदी में डाल देवे तो सालेग्राम की शिला अपने आप उसमें चिपक जाती है। ठंडा इलाका, और उस कुंड के बीच में बैठ करके भरत जी भगवान का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते, नियम था दिन भर में 200 माला करनी है, बिल्कुल करनी है।
एक दिन में 12-12 घंटे 14-14 घंटे केवल भगवान के भजन में निकाल देते। देखो हमारे शास्त्रों में एक नियम है, अगर हम किसी नदी के किनारे या जल के बीच में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं तो उसका फल कुछ ज्यादा होता है। बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे थे, तभी मालूम क्या हुआ, एक हिरणी जो गर्भवती थी उसको शेर ने दहाड़ लगाई, बेचारी दौड़ती दौड़ती आई, उस कुंड में कूद गई और बीच कुंड में ही उसके बालक ने जन्म ले लिया। हिरणी तो मर गई और बेचारा छोटा बालक जल में बहता हुआ जा रहा है। बड़ी दया आई, भरत जी ने सोचा देखो मेरी आंखों के सामने नन्हा बालक हिरण का बह रहा है, मुझे इसकी रक्षा तो करनी है। उसको उठाया और अपने घर में लेकर के आ गए, आग वाग जला करके उसकी सर्दी दूर करी और अपने घर में अपने अपने हाथों से ही उसको भोजन देने लगे, घास देने लगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखो किसी के ऊपर कृपा भी करो तो इतनी करना, दया इतनी करना कि कहीं मोह ना हो जावे। मोह ही हमको बांधने वाला है। और एक बात बतावें आपको, हम अपनी जीवन में जिसको याद करते हैं ज्यादा, जिसकी याद करते करते मर जाते हैं, दूसरे जन्म भी हमारा वही होता है। हिरण की याद करते करते भरत जी ने अपने शरीर को त्यागा तो दूसरा जन्म भी उनका हिरण का हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। देखो अंत मति सागति, आप पूरे जीवन भर जिसकी याद करोगे अंत में आपको वही बनना पड़ेगा। तो याद रखना, दिल्ली वाले कुत्ते बहुत पालते हैं, बोलो राधे राधे हैं, बड़ा प्रेम होता है। देखो प्रेम करना अच्छी बात है लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। हम जिसके ऊपर मोह ज्यादा करेंगे दूसरे जन्म में हमारा वही जन्म होना है। इसलिए आप प्रेम करो, गाय से भी करो, कुत्ते से भी करो, पूरा हर जीव से प्रेम करो क्योंकि परमात्मा का हर जीव में निवास है, लेकिन मोह नहीं करो। वह जो हिरण था ना, एक बार बड़ा होकर के भाग गया, अपने झुंड के साथ चला गया। भरत जी को उस हिरण से इतना मोह हो गया, बेटा हिरण तू कहां गया, तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगा। हिरण कहते कहते उन्होंने प्राण त्याग दिए, दूसरा जन्म हिरण का हुआ। मन में बड़ी भावना आई, आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मैं बंधन में बंधूं। देखो हम इस जन्म में जो भी काम करते हैं उसका फल हमको अगले जन्म में जरूर मिलता है। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी वो आदमी कभी भगवान का भजन भी नहीं करता, पूजा पाठ भी नहीं करता, नास्तिक है, पर घर में देखो संपत्ति कितनी भरी है। होता है ना ऐसा, और हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी परेशान है, क्यों? ये है पूर्व जन्म का संयोग संस्कार, जो हमने पहले जन्म में कर्म कर रखे हैं। उसको बनना तो राजा था लेकिन एक साहूकार बन के रह गया। और हमको कर्म तो हमारे ऐसे थे कि हमें सूली पर लटकाया जाए, लेकिन
हमारे अच्छे कर्मों की वजह से एक चोट लग के रह गई। यही फर्क होता है पूर्व जन्म के संस्कारों का। हिरण कभी भी हरी घास नहीं खाता, क्यों? कोई कीड़ा ना मर जावे। प्रेम से सूखी घास को खाते और भगवान के नाम का जाप करते रहते। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हर आदमी किसी ना किसी कारण से परेशान है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोगों ने भगवान का भजन करना छोड़ दिया है। आपको मालूम है पहले एक नियम था, शाम के समय घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता था वो रामायण या श्रीमद् भागवत कथा सुनाता, बाकी घर के सब लोग सुनते, होता था ना ऐसे। और आज क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, बोलो राधे राधे हैं? ये नियम होना चाहिए हर घर में कि चाहे 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, लेकिन कुछ समय भगवान की चर्चा के लिए पूरे परिवार को बैठना चाहिए। वही ऋषभ देव ने अपने बच्चों को बुलाया, बेटे ये बताओ ये तुमको मानव शरीर मिला है किस लिए मिला है? इस मानव शरीर का सदुपयोग तुम्हारे जीवन में क्या है? वो बोले पिताजी सुबह उठे तो पहले चाय पी, फिर नाश्ता किया, नहाया धोया, भोजन किया, थोड़ी देर खेले कूदे, शाम को फिर भोजन किया और सो गए। यही करते हैं ना हम सारे दिन? बोले नहीं बेटा, ये मानव शरीर इन कामों के लिए नहीं मिल बना हुआ। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्तुम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बेटा इस मानव शरीर से हमको भजन करना चाहिए। देखो हम गृहस्थी हैं ना, तो हमको तीन काम जरूर करना चाहिए। मालूम क्या, हमारे घर में जो सबसे सुंदर जगह हो उसमें एक मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर में हमारे गोपाल जी को स्थापित करो। घर में जो भी चीज बनाओ सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, क्योंकि बगैर भोग के वैष्णवों के घर में भोजन नहीं रहता। भोग लगाने के बाद उसको तुम ग्रहण करो। और एक बात याद रखना, जो पुष्प भगवान को अर्पण कर दिए वो फिर पैरों में ना आवे, इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। समझाया, परिणाम ये हुआ कि 90 जो पुत्र थे उसी समय विरक्त हो गए। ऋषभदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। चाहे गई चिंता नसी मनवा बे परवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो ही सा हिंसा। बड़े
खुश है ऋषभदेव भगवान। अब माताओं का आना सिर हो गया। बाबा जी हमारी बहू नहीं सुनती, बोलो राधे राधे हैं। मेरा बेटा नहीं सुनता, कुछ उपाय तो बता दो। ऋषभ देव कहते मैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि संसार की सब विभक्ति को दूर करने का कोई उपाय है तो वह है केवल भागवत भजन, भगवान का भजन। लेकिन दुनिया वालों को तो चमत्कार चाहिए। राधे राधे। और एक बात आपको बताऊं, चमत्कार करना साधुओं का काम नहीं है, चमत्कार करना तो जादूगरों का काम है, बाजीगरों का काम है। और जो चमत्कार दिखावे, महाराज जी ने ऊपर हाथ किया केला आ गया, प्रसाद मिल गया। अरे इतना शक्तिशाली है महाराज जी, तो कम से कम 10-20 करोड़ केला मंगावे, लोगों का भला हो जावे। तो मैं कहना चाहूंगा जो चमत्कार दिखावे वो सन्यासी साधु संत हो ही नहीं सकता, वो तो बाजीगर है, बाजीगरों का काम है ये लोगों को मूर्ख बनाना। एक दिन की बात, ऋषभ देव ने अपने कपड़े निकाल लिए, निवस्त्र हो गए लोग, जामे राम राम कैसा नंगा बाबा, उनसे मिलने जामे तो बाल नोचने लग जामे, ये तो पागल हो गया, मिट्टी खा ले में। लोगों ने कहा ये तो पागल बाबा है, छोड़ दिया जाना, जो हजारों लोग जाते थे ना, जाना छोड़ दिया। लेकिन ऋषभ देव जी बड़े खुश हुए। देखो अगर हम सन्यासी बन गए हैं, हमने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है, तो हमको तीन चीजों से बचना चाहिए। कौन कौन सी? कंचन यानी कि धन, कामनी यानी स्त्री, कीर्ति मतलब मेरा नाम हो। अगर सन्यास हमने धारण कर लिया, हम बाबा जी बन गए, तो फिर बाबा जी को इन तीनों चीजों से बचना चाहिए। एक आपको हम छोटी सी कथा सुना में, एक बार की बात, एक शिष्य गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। गुरु जी ने कहा बेटा देख मैं तो अब सन्यासी बन रहा हूं, आज से तुमको इस आश्रम की देखभाल करनी है, पर तुम्हारा नियम होना चाहिए कि ना तो तुम कंचन यानी कि स्वर्ण के पीछे भागोगे, ना कामिनी के चक्कर में पड़ोगे, और कीर्ति को तो तुम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाओगे। बोले ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहो वैसे ही होगा। एक बार की बात है, आज वो बाबा जी गैया चराते चराते किसी घने वन में चले गए, वहां उन्होंने क्या देखा कि सोने का भंडार लगा हुआ है। मन में बात आई, गुरुजी ने मना किया था सोना नहीं छूना, लेकिन कोई बात नहीं, इस सोने से ना गुरुजी की सोने की तस्वीर बना दूंगा, आश्रम बनवा दूंगा, मैं नहीं उपयोग करूंगा। नीचे आया, दो चार लोगों से कहा भैया हम तुमको बहुत सा धन देंगे, तुम एक बार हमारे साथ उस पर्वत में चलो, वहां से कुछ सामान लेके आना है। अब दो चार आदमी चल पड़े साथ में, और जहां वहां खजाना देखा उनकी बुद्धि खराब हुई, उस बाबा जी को वहीं रस्सी से बांध के पटका और जितना सोना चांदी था सब लेकर के भाग गए। तीन दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, याद करते हैं गुरु जी ने मना किया था, चक्कर में नहीं पड़ना, फिर भी नहीं माना। देखो तो कोई गैया चराता हुआ ग्वाला आया, उन्होंने उसको खोल दिया। अब कहता है आज के बाद कभी इस चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा।
काफी दिन बीत गया, तपस्या से उसका शरीर एकदम सूर्य के समान चमकने लगा। तो दो स्त्रियों की आपस में शर्त लगी। एक बोली, जानती हो ये बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। दूसरे ने कहा, अगर इन बाबा जी को मैंने अपने चक्कर में डाल दिया तो? बोले, हो ही नहीं सकता। अरे बाबा जी तो स्त्रियों से बात भी नहीं करते। बोले, शर्त लगी? हाँ हाँ बिल्कुल लगी शर्त। पहुंच गई, बाबा जी प्रणाम। बोले, दूर 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 से बात नहीं करना। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, पर मैं चाहती थी आपको गुरुजी बना लूं। बोले, जी मैं कन्याओं को तो बनाता ही नहीं, स्त्रियों को गुरु दीक्षा ही नहीं देता। ठीक है महाराज जी, एक काम करो, आप इस कुटिया में हो, आपके सामने मैं दूसरी कुटिया बना के रह लेती हूं। आराम से कई दिन निकल गए। एक दिन वो बोली, महाराज जी देखो मैं भी भोजन बनाती हूँ, आप भी भोजन बनाते हो, आप क्यों परेशान होते हो? मैं बना लिया करूंगी, आप भी खा लेना, मैं भी खा लूंगी, आपका भजन करने का समय ज्यादा बढ़ जाएगा। महात्मा जी ने कहा, चलो ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। अब वो भोजन बना बना करके, गुरु नानक जी लाहौर की मंडी में गए हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बकरा एक दुकान में जाता है और दुकानदार डंडे से उसको पीटता है, फिर भी बकरा मान नहीं रहा। तो नानक जी को हंसी आ गई। उनके शिष्यों ने कहा, महाराज जी, गुरु जी आप हंसे क्यों? इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं लगती। बोले, जानते हो ये बकरा कौन है? कौन? इस दुकान का मालिक है। मरने के बाद भी इस दुकान का मोह इससे नहीं छूटा। बेटा बार बार डंडा मार रहा है, लेकिन मोह के कारण ये उसमें फिर से जाता है। तीसरा जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण कुल में हुआ। अंगिरस ब्राह्मण थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी के एक बेटा बेटी और दूसरी पत्नी के ये भरत जी हुए। तीसरा जन्म फिर मनुष्य का। मां का स्वर्गवास हुआ, पिताजी ने सोचा देखने में बड़ा तेजस्वी लगता है। आपको एक बात बता, मैं हम जिसका भजन करेंगे हमारी आकृति वैसी हो जाएगी। जो भूत प्रेतों का भजन करते हैं ना, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, मरने के बाद तो भूत प्रेत बनते ही बनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जिंदा जी भी भूत प्रेत से कम नहीं दिखते। बोलो राधे राधे, सच्चाई है कि नहीं? उनका शरीर बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कोई प्रेत आत्मा हो। अगर रात में कोई किसी तांत्रिक को देख ले तो डर के मारे नींद भी ना आवे। लेकिन ये हमारे कन्हैया के उपासक हैं, और जैसे हमारे प्रभु का चेहरा मुस्कुराता रहता है ना, वैसे ही इनके भक्तों का चेहरा मुस्कुराता रहता है। जिसने अपना मन मेरे श्याम से लगा लिया, उसका चेहरा भी गुलाब सा हो गया। बचपन से ही बड़ी सुंदर दिख रहे हैं। होनहार बिरवान के भूत चीकने पात। सोचा, बड़ा विद्वान बच्चा मेरे यहां पर आया है, इसको गायत्री मंत्र सिखा दूं। खूब पढ़ाया, भरत जी को आता तो था लेकिन सुनाया नहीं। क्यों? पिताजी मेरे कल्याण के लिए थोड़ी ना सिखा रहे हैं, ये तो यजमान के लिए सिखा रहे हैं। आज कहेंगे, जी यजमान जी के यहां बेटा हुआ, जाओ नामकरण करवाओ। फिर कहेंगे बेटे का ब्याह हो रहा है, विवाह करवाओ। फिर कहेंगे यजमान जी पधार गए, अंतिम संस्कार करवाओ। अरे जिस चक्कर से मैं निकलना चाहता हूं
उस चक्कर में फिर से डाल देंगे। मंत्र तो याद था लेकिन सुनाया नहीं, पिताजी सिखाते सिखाते मर गए। लोगों ने कहने लगा इसकी बुद्धि तो जड़ जैसी है, नाम हो गया जड़ भरत। जो दूसरे भाई थे ना वो खूब काजू किशमिश खा में, मेवा मिष्ठान खा में, लेकिन सूखे से पतले से दुबले से, और इनको बचा खुचा बासी कच्चा खाना दे दे में, ये ठाकुर जी को भोग लगा के उसी को खा ले में तो हट्टे कट्टे। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए, तुलसी बिरवा बाग के सींचत भी मुरझाए। देखा होगा ना आपने भी, हम लोग गमलों में तुलसी लगाते हैं, खाद भी डालेंगे, आरती भी उतारेंगे, जल भी डालेंगे, फिर भी गमले का पौधा सूख जाता है। और पहाड़ियों में देखा है कैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कोई उनको खाद डालने जाता है। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। भाइयों ने कहा जाओ जाकर के खेत में चिड़ियों को भगाना। क्यों? क्योंकि बाजरे की हमने फसल बो रखी है, चिड़िया सारा बाजरा खा जाएंगी, जाकर के तुम बाजरों को चिड़ियों को भगाओ। ये जाते वहां मालूम क्या कहते हैं, राम की चिड़िया राम के खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। जितने पशु होते पक्षी होते उनको खेत के अंदर और घुसेड़ देते, कह देते भैया ये तुम्हारे लिए है, तुम अपना भी पेट भरो, ये राम जी ने हमको जैसे दिया वैसे तुमको दिया है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। खाओ चिड़ियों भर भर पेट, चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। श्री राधे। चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत।
भर भर पे। बोले बाके बिहारी लाल की। घर के लोग परेशान हो गए, ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसलिए ना उसको घर से निकाल दिया। भैया तुझे राम जी खिलाने वाले हैं, वही खिलाएंगे, हम घर में तुमको कुछ भी नहीं दे सकते। चल पड़े। कहां जाना है? जहां ये रास्ता ले जावे। सोगे कहां? चादर कहां है? अरे पूरी पृथ्वी मेरे लिए बिस्तर और पूरा आसमान मेरे लिए चादर है। एक वन में पहुंच गए, वहां कुछ ना भील लोग रहते थे, और भीलों के राजा, उसके कोई संतान नहीं थी। किसी ने कह दिया कि अगर तुम किसी मनुष्य की बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। और कोई भी नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ के ले गए, प्रेम से चले गए, खूब नहलाया धुलाया, गले में माला पहनाई, सुंदर सुंदर भोजन पकवान खिलाए, प्रेम से खा रहे हैं। बोले अब तो इसकी बलि चढ़ने वाली है। कोई नहीं उनके अंदर चिंता, क्यों? परमात्मा ने ये शरीर दिया है और जितने दिन वो रखना चाहेंगे हम उतने दिन केवल रह सकते हैं। काली मैया के सामने जैसे बलि देने को तैयार हुए, मैया काली के नेत्रों से आंसू आ गए। देखो तो अगर आज इस पुत्र की बलि दे दी गई तो लोगों के प्रति, मेरे प्रति जो लोगों की आस्था है वो आस्था मिट जाएगी। अरे एक मां के सामने से एक बालक की बलि दी जा रही है, और ऐसा लाडला बालक जिसने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया, ऐसे निरपराधी व्यक्ति को अगर दंड मिल गया तो लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो प्रेम ही समाप्त हो जाएगा। मां काली के नेत्रों से आंसू बह पड़े और मैया उस तस्वीर से खुद प्रकट हो गई, और जो भील बलि देना चाहते थे मैया काली ने उन भीलों का ही अंत कर दिया। बोले जगदम्बे मैया की, अपने गले से लगा करके कहा, बेटा मन में तुम कोई भाव मत लाना, मैंने यहां आने में कोई देरी ज्यादा तो नहीं कर दी बेटा। जड़ भरत जी चल पड़े, मैया काली ने मेरी रक्षा कर दिया, कोई खुशी नहीं, बलि दे रहे थे मेरी, कोई दुख भी नहीं था। चाहे गई चिंता नसी, मनुआ बेपरवाह है, जिसको कछु न चाहिए सोई साहिंसा है। जिसको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा सहिंसा है। जड़ भरत जी जा रहे थे तो वहां एक रहुगण नाम का राजा आया, चार कहार पालकी में रहुगण को बैठाए हुए थे, एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा, क्या बात है, पालकी क्यों नीचे उतार दी? बोले क्या बताएं महाराज, एक जो कहार था हमारे साथ में ना, इसके पैरों में दर्द हो गया, अब ये चल नहीं सकता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, ये मेरी प्रजा ही तो है, जो तुमको मिल जाए उसको तुम ले आना। और तो कोई नहीं मिला,
जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पालकी में ढोने के लिए लगा दिया। आपको मालूम है जड़ भरत जी का नियम था क्या, वो 5 फुट आगे की जमीन देख के चलते थे कि कोई चींटी ना मर जावे, कोई कीड़ा ना मर जावे। और कोई चींटी आ गई उछल पड़े, हे भगवान कहीं मर तो नहीं गई। अब सोचो अगर पालकी ढोने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा, धड़ाम से सिर में लगी पालकी, अरे क्या करते हो तुम। बोले महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं, जो नया नया आपने मोटा सा बाबा लगा दिया है ना ये उछल जाता है। राजा ने कहा क्यों भाई, तुमको मेरा वजन ज्यादा लगता है, इतना मोटा तगड़ा शरीर लिए हो तुम और तुमको पालकी ढोने में ज्यादा तकलीफ होती है। कुछ नहीं बोले, फिर चल पड़े। नियम तो उनका था ही, जैसे कोई जीव फिर आया पैरों के नीचे, फिर उछल गए और फिर जोर से लगी उनके माथे में। राजा ने कहा ए मोटे बाबा जी, या तो ढंग से पालकी चला ले, नहीं तो तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। जड़ भरत जी ने विचार किया, 40 वर्ष तक मैं कुछ नहीं बोला और अगर आज भी नहीं बोला तो लोग कहेंगे जिस राजा को जड़ भरत ने अपने कंधे पर बैठाया हो वो राजा तो मूर्ख का मूर्ख रह गया। देखो बढ़िया सुंदर गद्दी लगी हो, आप जैसे श्रोता सुनने वाले हो, माइक लगा हो तो प्रवचन कोई भी कर सकता है, लेकिन कंधे पर पालकी रखी हो और कंधे के ऊपर पालकी के ऊपर बैठा व्यक्ति अपमान पे अपमान किए जा रहा हो, ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान का ध्यान करवाना, आत्मा का ज्ञान करवाना जड़ भरत जी के अलावा और किसी के बस की बात नहीं हो सकती। तिरछी नजर से देखा राजा को, राजन क्या कहते हो तुम। तोयोदितं व्यक्तिमभिप्रलब्धं भर्तो शमेशाद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मद्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवाहै। राजन परिश्रम किसको होगा इस शरीर को, अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या परिश्रम होगा। अच्छा तुमने ये कहा था तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा, गेहूं को पीस करके तुम आटा बना दोगे, आटा को पीसो करके क्या बनाओगे, फूल से तुम इत्र निकाल दोगे, इत्र से क्या निकालोगे। राजन मेरी तुम क्या चिकित्सा करोगे। रहुगण को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सत्संग के लिए जा रहा था वही साधु आज हमारे सामने आ गए, जमीन पर कूद पड़े, महाराज आपके कंधे में जनेऊ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपके शरीर को कष्ट नहीं होगा, क्यों प्रभु। अरे बर्तन में हम जल भरते हैं, उसमें चावल डालते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, पानी गर्म होता है, चावल बन जाते हैं, तो वैसे ही शरीर को कष्ट ये दिया जाएगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा। भरत जी ने कहा राजन अगर आप चावल डालोगे तो पक जाएंगे, लेकिन क्या पत्थर डालोगे तो वो पकेगा, नहीं पकेगा। वैसे ही आत्मा चावलों जैसी नहीं है। बोले कैसी है आत्मा, कैसी है, हवा किसी को दिखती है क्या, हवा का कोई रंग होता है,
लेकिन सभी उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा देखने की चीज नहीं है कि कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी मोटी है। आत्मा तो समझने का मूल्य है। हमको अपनी आत्मा का जब हम चिंतन करेंगे तभी हम आत्मा को जान पाएंगे। और जब तक तुम्हारे मन में ये भाव रहेगा कि ये कहार छोटे हैं, मैं राजा हूं, तब तक तुमको आत्मा का बोध नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान दिया राजा रघुगण को, उसने सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करके भगवान के धाम को चला गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी प्रेम से प्रभु का ध्यान करें, वंदन करें। तो लोगों के प्रति, मेरे प्रति जो लोगों की आस्था है वो आस्था मिट जाएगी। अरे एक मां के सामने से एक बालक की बलि दी जा रही है, और ऐसा लाडला बालक जिसने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया, ऐसे निरपराधी व्यक्ति को अगर दंड मिल गया तो लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो प्रेम ही समाप्त हो जाएगा। मां काली के नेत्रों से आंसू बह पड़े और मैया उस तस्वीर से खुद प्रकट हो गई, और जो भील बलि देना चाहते थे मैया काली ने उन भीलों का ही अंत कर दिया। बोले जगदम्बे मैया की, अपने गले से लगा करके कहा, बेटा मन में तुम कोई भाव मत लाना, मैंने यहां आने में कोई देरी ज्यादा तो नहीं कर दी बेटा। जड़ भरत जी चल पड़े, मैया काली ने मेरी रक्षा कर दिया, कोई खुशी नहीं, बलि दे रहे थे मेरी, कोई दुख भी नहीं था। चाहे गई चिंता नसी, मनुआ बेपरवाह है, जिसको कछु न चाहिए सोई साहिंसा है। जिसको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा सहिंसा है। जड़ भरत जी जा रहे थे तो वहां एक रघुगण नाम का राजा आया। चार कहार पालकी में रघुगण को बैठाए हुए थे, एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा, क्या बात है, पालकी क्यों नीचे उतार दी? बोले क्या बताएं महाराज, एक जो कहार था हमारे साथ में ना, इसके पैरों में दर्द हो गया, अब ये चल नहीं सकता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, ये मेरी प्रजा ही तो है, जो तुमको मिल जाए उसको तुम ले आना। और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पालकी में ढोने के लिए लगा दिया। आपको मालूम है जड़ भरत जी का नियम था क्या? वो 5 फुट आगे की जमीन देख के चलते थे कि कोई चींटी ना मर जावे, कोई कीड़ा ना मर जावे। और कोई चींटी आ गई, उछल पड़े, हे भगवान कहीं मर तो नहीं गई। अब सोचो अगर पालकी ढोने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा? धड़ाम से सिर में लगी पालकी, अरे क्या करते हो तुम? बोले महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं, जो नया नया आपने मोटा सा बाबा लगा दिया ना, ये उछल जाता है। राजा ने कहा, क्यों भाई तुमको मेरा वजन ज्यादा लगता है? इतना मोटा तगड़ा शरीर लिए हो तुम, और तुमको पालकी ढोने में ज्यादा तकलीफ होती है? कुछ नहीं बोले।
फिर चल पड़े। नियम तो उनका था ही, जैसे कोई जीव फिर आया पैरों के नीचे, फिर उछल गए और फिर जोर से लगी उनके माथे में। राजा ने कहा, ए मोटे बाबा जी, या तो ढंग से पालकी चला ले, नहीं तो तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। जड़ भरत जी ने विचार किया, 40 वर्ष तक मैं कुछ नहीं बोला, और अगर आज भी नहीं बोला तो लोग कहेंगे जिस राजा को जड़ भरत ने अपने कंधे पर बैठाया हो वो राजा तो मूर्ख का मूर्ख रह गया। देखो बढ़िया सुंदर गद्दी लगी हो, आप जैसे श्रोता सुनने वाले हो, माइक लगा हो, तो प्रवचन कोई भी कर सकता है, लेकिन कंधे पर पालकी रखी हो और कंधे के ऊपर पालकी के ऊपर बैठा व्यक्ति अपमान पे अपमान किए जा रहा हो, ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान का ध्यान करवाना, आत्मा का ज्ञान करवाना जड़ भरत जी के अलावा और किसी के बस की बात नहीं हो सकती। तिरछी नजर से देखा राजा को, राजन क्या कहते हो तुम? त्वयोदितं व्यक्तिमपि प्रलब्धम् भर्तुषमेषाद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मद्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवाहै। राजन परिश्रम किसको होगा इस शरीर को? अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या परिश्रम होगा। अच्छा तुमने ये कहा था तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा, गेहूं को पीस करके तुम आटा बना दोगे, आटा को पीसो करके क्या बनाओगे? फूल से तुम इत्र निकाल दोगे, इत्र से क्या निकालोगे? राजन मेरी तुम क्या चिकित्सा करोगे? रहुगण को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सत्संग के लिए जा रहा था वही साधु आज हमारे सामने आ गए, जमीन पर कूद पड़े, महाराज आपके कंधे में जनेऊ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपके शरीर को कष्ट नहीं होगा, क्यों प्रभु? अरे बर्तन में हम जल भरते हैं, उसमें चावल डालते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, पानी गर्म होता है, चावल बन जाते हैं, तो वैसे ही शरीर को कष्ट ये दिया जाएगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? भरत जी ने कहा, राजन अगर आप चावल डालोगे तो पक जाएंगे, लेकिन क्या पत्थर डालोगे तो वो पकेगा? नहीं पकेगा। वैसे ही आत्मा चावलों जैसी नहीं है। बोले कैसी है आत्मा? कैसी है? हवा किसी को दिखती है क्या? हवा का कोई रंग होता है? लेकिन सभी उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा देखने की चीज नहीं है कि कितनी लंबी कितनी चौड़ी कितनी मोटी है, आत्मा तो समझने का मूल्य है। हमको अपनी आत्मा का जब हम चिंतन करेंगे तभी हम आत्मा को जान पाएंगे। और जब तक तुम्हारे मन में ये भाव रहेगा कि ये कहार छोटे हैं, मैं राजा हूं, तब तक तुमको आत्मा का बोध नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान दिया राजा रहुगण को, उसने सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करके भगवान के धाम को चला गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी प्रेम से प्रभु का ध्यान करें, वंदन करें। सांवरा आएगा मेरा सांवरा, तू दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से लगा के दे। आएगा
सावेरा दिल से बुला के दे दिल में तो श्याम नाम की 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 ज्योति जला के दे आएगा Thank you.
श्याम राम दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा 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 दिल से बुला के दे। बोले बांके बिहारी लाल की। क्या बोलना होगा? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के देख। वास्तव में भावना में बड़ी शक्ति है। अगर भावना हो तो भक्त भगवान को